धारा 370 हटाने को लेकर जदयू की भाजपा को दो टूक। हम जेपी के वंशज हैं, धारा 370 का विरोध नहीं करेंगे। भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल है धारा 370 खत्म करना। जदयू के इस फैसले से दोनों दलों के बीच बढ़ेंगी दूरियां। बिहार में नीतीश की जदयू और बीजेपी के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। अब जदयू ने भाजपा के कश्मीर से धारा 370 हटाने के मुद्दे पर वार किया है। जदयू एनडीए में शामिल है, लेकिन उसने साफ कह दिया है कि धारा 370 पर समझौता नहीं करेगी। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में भाजपा के अनुच्छेद 370 पर स्टैंड के विपरीत कहा कि वो अनुच्छेद 370 पर समझौता नहीं कर सकती। हम जेपी के वंशज हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते। पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने कहा, जब कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 हटाने पर निशाना साधते हुए इसे खत्म करने की कोशिश की थी, तब जयप्रकाश नारायण ने इस धारा का समर्थन किया था और ऐसा करने वाले वो एकमात्र नेता थे। हम जयप्रकाश के वंशज हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पूर्वजों के उठाए गए सवालों को आगे बढ़ाएं। इसलिए इस मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। जदयू का यह स्टैंड भाजपा के एकदम उलट है। भाजपा ने कश्मीर से धारा 370 हटाने को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया हुआ है। भाजपा तो धारा 35A को भी समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सहयोगी दलों का मुद्दों को लेकर मनमुटाव और अलग अलग स्टैंड विरोधाभासी तो लगता ही है, साथ ही ये सरकार की स्मूथ फंक्शनिंग पर भी रोक लगाता है। भाजपा आर्टिकल 370 को कश्मीर के विकास में बाधा बताती है, तो उसकी सहयोगी जदयू अपने वंशज के नाम पर इसका समर्थन कर रही है।